हेलो चिल्ड्रेन इन दिस वीडियो वी विल डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग क्वेश्चन स्टार्ट विदर्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ वैल्यूज विल नॉट बी कंसीडर्ड बाई एक् वाइलोइ स्टेटमेंट जब एक्सक्ल इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो वो कौन सी वैल्यूज को कंसिडर नहीं करेगा ओके तो हम स्टेटमेंट देखते हैं सिलेक्ट काउंट यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज हुआ है कॉलम नेम फ्रॉम इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्या है टेबल का नेम ओके तो काउंट फंक्शन क्या करता है काउंट फंक्शन काउंट द नंबर Of rows in given count function, जो इसके लेकिन इसकी एक कंडीशन क्या है जिस रोज के अंदर नल वैल्यूज होती हैं वो उस रो को काउंट नहीं करता ओके okay? ये सिर्फ नॉन नल वैल्यूज को काउंट करता है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा काउंट फंक्शन तो यहाँ पे नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा काउंट फंक्शन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ कॉलम फीस कंटेन द डेटा सेट ओके okay, okay यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है फीस जिसका डेटा है फाइव थाउजेंड एट थाउजेंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड फाइव अगेन फाइव थाउजेंड एंड एट थाउजेंड ओके व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी ओके जो नीचे क्वेरी दी गई है जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा फाइन तो यहाँ पे हम क्वेरी देखेंगे सम सम पे किया किया गया गया ओके ओके डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट फीस अब कौन से कीवर्ड का यूज okay. तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड वर्ड इलिमिनेट डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट डिस्टिंक्ट कीवर्ड वर्ड क्या करता है डुप्लीकेट रोज को इलिमिनेट कर देता है डिलीट कर देता है फाइन ओके okay, तो यहाँ पे फी कॉलम के अंदर जिस रो के अंदर डुप्लीकेट डेटा है वो डुप्लीकेट डेटा वाली रो को डिस्टिंग की वर्ड क्या करेगा डिलीट कर देगा ओके okay, तो यहाँ पे किस किस का एडिशन होगा फाइव थाउजेंड एट थाउजेंड एंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड ओके क्योंकि ये जो अगेन हमारे पास फाइव थाउजेंड और एट थाउजेंड आया है डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमने यूज किया है तो ये इन दोनों को डिलीट कर देगा एलिमिनेट कर देगा इनको कंसीडर नहीं करेगा तो यहाँ पे सिर्फ ये थ्री वैल्यूज का एडिशन होगा सम होगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड ओके ओके क्वेश्चन नंबर थ्री विच एस स्टेटमेंट डू वी यूज टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेबल देश आपको टेबल के काउंट करने हैं ओके टोटल रिकॉर्ड काउंट करने हैं तो आप कौन से स्टेटमेंट का यूज करोगे फाइन यहाँ पे हमने किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर में क्या होगा यहाँ पे टेबल डिस्प्ले हो जाएगी ओके इट विल नॉट काउंट इट फाइन नेक्स्ट ऑप्शन वी है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स ओके तो काउंट स्टार फंक्शन क्या करता है काउंट स्टार फंक्शन काउंट्स ऑल रोज़ इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंड नल्स काउंट काउंट स्टार फंक्शन आपके टेबल की सारी रोज़ को काउंट करता है चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन करती हो चाहे उनके अंदर नल वैल्यूज हो ओके okay? तो so, अगर आप क्या चाहते हो टोटल नंबर ऑफ रोस आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो ओके okay? तो so, आप uh, कौन सा फंक्शन यूज करोगे काउंस्टार तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है वो करेक्ट है सिलेक्ट काउंसटार फ्रॉम ऑर्डर्स ओके नो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन इनमें से कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो राउंड फंक्शन है वो क्या है वो मैस फंक्शन है ओके इट इज़ यूज टू राउंड ऑफ अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसीमल प्लेसेस, ओके तो यहाँ पे राउंड फंक्शन क्या है आपका एग्रीगेट फंक्शन नहीं है राउंड फंक्शन का यूज होता है किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए और जो आपके दिए हुए सम फंक्शन काउंट फंक्शन एंड एवरेज फंक्शन ये क्या है हमारे एग्रीगेट फंक्शन है ओके तो क्वेश्चन क्या था कौन सा एग्रीगेट फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे राउंड फंक्शन क्या है मैथ फंक्शन है वो एग्रीगेट फंक्शन नहीं है ओके

क्वेश्चन नंबर सिक्स इन एसक्यूल विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम एसक्यूल में करंट डेट एंड टाइम को डिस्प्ले करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है ओके सो द ऑप्शन इज नाउ फंक्शन नाव फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम ओके क्वेश्चन नंबर सेवन वुड विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी इस क्वेरी का क्या आउटपुट आएगा सिलेक्ट मंथ ओके okay, फंक्शन का यूज हुआ है और आपने उसमें क्या किया है डेट को पास किया है तो मंथ फंक्शन क्या रिटर्न करता है मंथ फंक्शन रिटर्न्स द मंथ पार्ट फॉर अ गिवन डेट राइट तो इसमें से क्या ये, ये आपको रिटर्न करेगा मंथ रिटर्न करेगा मंथ फंक्शन ओके तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका ऑप्शन ए करेक्ट है राइट मीन्स फाइव ओके देन क्योंकि यहाँ पे हम आपका ईयर है ट्वेंटी ट्वेंटी मंथ आपका है फिफ्थ मंथ एंड आपकी डेट क्या है इलेवन राइट right? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो फाइव है ओके वट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्वेरी ओके सिलेक्ट राउंड आपके पास राउंड फंक्शन दिया हुआ है राउंड फंक्शन राउंड ऑफ करने के लिए होता है वैल्यू को राउंडिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स नाइन और आपको कितने डेसिमल वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है टू डेसिमल वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है ओके okay, तो इसका जो करेक्ट रिजल्ट uh, है ऑप्शन है वो क्या है ऑप्शन नंबर सी वन फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स सेवन ओके तो यहाँ पे सेवन क्यों आया क्योंकि सिक्स uh, के बाद क्या आया हुआ नाइन तो एक वन uh, आपने डेसिमल वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर दी है फाइन क्योंकि यहाँ पे फाइव से बिगर नंबर है ओके तो यहाँ पे आपका आ गया वन फाइव थ्री पॉइंट सिक्स सेवन दिस इज योर करेक्ट आंसर Fine. तो यहां पे अगर यहाँ पे ये यह क्यों हुआ है क्योंकि 6 के बाद दिया हुआ है। अगर यहाँ पे फाइव से छोटा नंबर दिया होता तो उसमें नहीं होता। होता अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो तो उससे पहले वाले नंबर में क्या होता है 1 point का इंक्रीमेंट हो जाता है Fine. तो आपका आंसर है इस क्वेरी से क्या रिजल्ट आएगा सिलेक्ट इन स्ट्रिंग इंडिया ओके और इंडिया आपने सब क्वेरी कह दिया है डी तो यहाँ पे इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है इन स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स द लोकेशन और पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ अ विद इन स्ट्रिंग फाइन ये आपकी मेन मेन स्ट्रिंग है जिसमें से आपको इस सब स्ट्रिंग की पोजीशन बतानी है राइट right? तो यहाँ पे देखो जो डी आया डी आई तो यहाँ पे हम जो लेटर डी है उसकी पोजिशन देखेंगे उसकी पोजिशन है थ्री फाइन तो आपका रिजल्ट क्या है थ्री अंडरस्टूड इन स्ट्रिंग के अंदर मीन ये आपकी मेन स्ट्रिंग है जिसमें से आपको सब स्ट्रिंग की position बतानी है राइट इन स्ट्रिंग फंक्शन मेन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग की पोजिशन को फाइंड आउट करता है तो यहां पे डी आपका थर्ड पोजिशन पे है तो आपका रिजल्ट क्या है थ्री ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन इनमें से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है ट्रिम इज अ टेक्स्ट फंक्शन लेफ्ट एंड मिड आर आल्सो टेक्स्ट फंक्शन ओके okay. यहाँ पे जो हमारे ट्रंकेट फंक्शन है ट्रंकेट फंक्शन का क्या यूज होता है ट्रंकेट फंक्शन ट्रंकेट्स नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस राइट तो यहाँ पे ट्रंकेट फंक्शन नंबर के लिए यूज होता है नंबर नंबर्स के लिए यूज होता है तो ये टेक्स्ट फंक्शन नहीं है तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ट्रंकेट क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट फंक्शन इनमें से कौन टेक्स्ट फंक्शन नहीं है तो ट्रंकेट टेक्स्ट फंक्शन नहीं है क्योंकि ये नंबर्स के लिए यूज किया जाता है फाइन

ओके okay? लेकिन हैविंग क्लॉज क्या करता है ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर कंडीशन लगाता है ओके okay? और हैविंग क्लॉज किसके साथ यूज होता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज होता है क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन में हम नंबर ऑफ रोज को कंसीडर करते हैं मतलब एक साथ कई सारी रोज को हम यूज करते हैं फाइन तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन क्वेरी यहाँ पे हैविंग uh, क्लॉज का मीनिंग uh, इसके अंदर है या नहीं है फाइन ओके टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप्स फिल्ट्रेशन के लिए यूज नहीं होता टू फिल्टर आउट द कॉलम ग्रुप्स नो यहाँ पे हैविंग uh, क्लॉज का क्या यूज है टू पुट कंडीशन ऑन द ग्रुप ऑफ रोज राइट टू फिल्टर आउट द रोज एंड कॉलम वैल्यूज तो ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है आपका ऑप्शन है नन ऑफ द मैं क्योंकि हैविंग क्लॉज क्या करता है इट प्लेसिस कंडीशन ऑन ग्रुप्स ओके ऑन ग्रुप ऑफ रोज फाइन देन ओके, ऑफ़ द फॉलोइंग विल यू यूज़ इन द फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले द यूनिक वैल्यूज ऑफ द कॉलम डिपार्टमेंट नेम ओके आपको क्या करना है आप इसमें बताओगे कि आपको कॉलम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम से यूनिक वैल्यूज चाहिए राइट right? यूनिक वैल्यूज मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट ना करे कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट ना हो तो आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे यहाँ पे हमारा आता है डिस्टिंक्ट कीवर्ड जब आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हो तो वो आपको रिपीटेड वैल्यू शो नहीं करता वो रिपीटेड वैल्यूज को इलिमिनेट कर देता है फाइन फिर से देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज इन द फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले द यूनिक वैल्यूज ऑफ द कॉलम डिपार्टमेंट नेम राइट डिपार्टमेंट नेम कॉलम में से आपको यूनिक वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है तो आप क्या स्टेटमेंट दोगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम कंपनी ओके तो ये क्या करेगा जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी उनको इलिमिनेट कर देगा फाइन एंड यू विल गेट ओनली यूनिक वैल्यूज ओके नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट इंसर्ट क्वेरीज फ्रॉम द फॉलोइंग आपको बताना है कौन सी इंसर्ट क्वेरी करेक्ट है यहाँ पर ओके फर्स्ट इंसर्ट इन टू पर्सन यहाँ पे क्या है पर्सन टेबल का नेम इंसर्ट इंटू पर्सन और आपने वैल्यूज दे दिए तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि क्या होता है इंसर्ट इंटू पर्सन एंड यहाँ पे आता है वैल्यूज फाइन तो आपका फर्स्ट करेक्ट नहीं है टेबल नेम के बाद आप यूज करोगे वर्ड वैल्यूज सेकेंड है आपका इंसर्ट इंटू पर्सन पर्सन के अंदर आपने कॉलम नेम दिए लास्ट नेम फर्स्ट नेम वैल्यूज ओके एंड वैल्यूज दिए तो ये आपका बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है राइट right? सेकेंड आपका क्या है इंसर्ट इन वैल्यूज ओके और आपने वैल्यूज दी तो सी right? कर भी करेक्ट है राइट आप कॉलम नेम देकर भी वैल्यूज को दे सकते हो और आप कॉलम नेम नहीं देकर भी वैल्यूज को दे सकते हो लेकिन आप जब कॉलम नेम नहीं देते हो तो आपको ऑर्डर करेक्ट रखना है राइट मतलब वैल्यूज का ऑर्डर करेक्ट रखना है अगर नंबर वैल्यू पहले आने तो पहले नंबर वैल्यू दोगे देन आप स्ट्रिंग वैल्यू सेकेंड आने तो स्ट्रिंग वैल्यू सेकंड दोगे लाइक दिस फाइन ओके okay, तो यहाँ पे हमारे दो स्टेटमेंट करेक्ट है स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी फाइन ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल एसक्यूएल इनमें से कौन से क्या है एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन हैं फाइन तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है एवरेज एवरेज पूरा यूज नहीं होता एवीजी यूज होता है राइट right? आपका मैक्स भी करेक्ट है और आपका काउंट भी करेक्ट है तो यहाँ पे दो एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स फंक्शन एंड काउंट फंक्शन ओके नाउ ऑल एग्रीगेट फंक्शंस इग्नोर एक्सेप्ट फॉर द फंक्शन ऐसा कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है जो नल वैल्यूज को भी काउंट करता है राइट right? क्योंकि एग्रीगेट के सारे फंक्शंस मैक्स मिन एवरेज वो क्या करते हैं नल वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते बट एक ही फंक्शन है जो एवरेज वैल्यू को सॉरी नल वैल्यू को भी काउंट करता है वो है काउंट स्टार फंक्शन जो नल वैल्यूज को भी काउंट करता है फाइन ओके okay? डेटा मैन्यूपलेशन लैंग्वेज डी 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 एम एल इंक्लूज स्टेटमेंट डेट मोडिफाई डैश ऑफ द टेबल्स ऑफ द डेटा बेस तो डेटा मैन्यूपलेसन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स का क्या यूज़ होता है डेटा मैनुप्लेन डी एम एल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट तो ये किस लिए यूज होती है ये होती है फॉर द मैन्युपलेशन ऑफ डेटा आप डेटा सिलेक्ट करना चाहते हो आप डेटा uh, इंसर्ट करना चाहते हो टेबल के अंदर आप डेटा को अपडेट करना चाहते हो डेटा डिलीट, डिलीट करना चाहते हो उसके लिए डी एम एल कमांड्स uh, uh, का यूज होता है तो यहां पे क्या है ऑप्शन इंक्लूज स्टेटमेंट डेट मोडिफाई द डेटा ऑफ द टेबल ऑफ द डेटाबेस का क्या यूज होता है टू मैनिपुलेट द डेटा ऑफ द डेटाबेस ओके देन व्हाट शुड बी द डेटा टाइप फॉर द कॉलम प्राइस स्टोरिंग वैल्यू लेस देन वन थाउजेंड अभी क्या कह रहा है कि आप कौन सा डेटा टाइप यूज करोगे कि अगर आपको प्राइस uh, को स्टोर करना है फाइन तो यहाँ पे क्या है नंबर नंबर डेटा है ओके okay? और यहाँ पे दिया हुआ है आ, 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 आपको कैसे स्टोर करना है जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है टू हंड्रेड पॉइंट टू वन ओके तो फाइव डिजिट का नंबर होगा और टू डेसिमल पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए राइट right, समझ आ रहा है एग्जाम्पल एक, में क्या दिया है? कि डेटा ऐसे स्टोर करोगे एक एग्जाम्पल एक दिया है टू हंड्रेड पॉइंट टू वन तो टोटल तो डेटा है जो फाइव डिजिट का है और डेसिमल पॉइंट टू डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर फाइव टू है फाइन ये आपका करेक्ट ऑप्शन है

A relationship is formed by dash that relates two tables where one table references other table. की यहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होती है जहां पे एक टेबल का कॉलम दूसरे टेबल के कॉलम को आ, आ, रेफरेंस करता है राइट ओके तो ये आ, किसके हेल्प से होता है जब ए, एक टेबल की फॉरेन की दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफरेंस करती है मतलब यू कैन से उससे डेटा लेती है फॉरन की फॉरन की टेबल के अंदर आप डेटा चेंज नहीं कर सकते जब तक की वो डेटा चेंज नहीं होता है प्राइमरी की टेबल के अंदर फाइन समझ में आया रिलेशनशिप इज फॉर्म एक रिलेशनशिप हम क्रिएट करते हैं दो टेबल के बीच में किसकी हेल्प से फॉरेन की की हेल्प से डेट रिलेट्स टू टेबल्स जो दोनों टेबल को रिलेट करती है वे वन टेबल रेफरेंसेस जहां पे एक टेबल दूसरे टेबल को रेफरेंस करती है फाइन समझ में आया अब देखो जब हम क्या करते हैं फॉरेन की क्या होती है एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है ठीक है दूसरे टेबल के अंदर क्या होता है सेम प्राइमरी की एज अ फॉरन की हम क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं फाइन मतलब एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है उसका डेटा हम दूसरे टेबल के अंदर एज अ फॉरन की यूज करते हैं अब अगर प्राइमरी की तो क्या होता है ये दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं जैसे हमने क्या किया एक टेबल बनाई स्टूडेंट रिकॉर्ड की जिसके अंदर हमने लिया रोल नंबर ओके स्टूडेंट नेम एंड क्लास दूसरी एक हमने टेबल बनाई जिसके अंदर अगेन हमने लिया रोल नंबर ओके स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर एंड स्टूडेंट्स डिटेल फाइन तो देखो यहाँ पे रोल नंबर कॉलम सेम है यहाँ पे रोल नंबर कॉलम सेम है एक टेबल के अंदर वो प्राइमरी की है दूसरे टेबल के अंदर वो फॉरेन की है ओके okay? तो ये क्या है दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है फाइन ये दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर आप रोल नंबर वन का डेटा देखोगे तो उसका रोल नंबर नेम है अमित ओके okay, और क्लास है उसकी ट्वेल्व uh, और यहाँ पे आप उसका एडमिशन नंबर दे, देख सकते हो सेम रोल नंबर से और उसका uh, उसकी डिटेल्स देख सकते हो राइट right? तो यहाँ पे क्या है एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉरिन की

एन एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट मीन कॉलम या फिर इनर इन टेबल इस टर्म डेन की एक कॉलम को फॉरन की कहा जाता है प्राइमरी ऑफ अनबल राइट समझ आया देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डी डी एल स्टेटमेंट इनमें से कौन सी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट है तो डी डी एल कौन सी होती है विच स्ट्रक्चर ऑफ of the database लाइक like क्रिएट alter, ड्रॉप रीनेम ठीक है तो आपको ये बताना की इनमें से कौन सी डीडीएल कमांड्स हैं फाइन तो आप देखो यहाँ पे क्रिएट ड्रॉप ऑल्टर ये तीनों डीडीएल कमांड है तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑल ऑफ दीज ओके नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कंसिडर द फॉलोइंग क्वेरी आपको एक क्वेरी देखती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सेलरी डैश नेम डैश राइट right? हमारे पास क्या है एक स्टेटमेंट uh, है एक कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आप एम्प्लॉय टेबल से डेटा को क्या कर रहे हो डिस्प्ले करा रहे हो ओके okay? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ऑर्डर बाय सैलरी जहाँ पे सैलरी कॉलम uh, से आप क्या कर रहे हो अरेंज कर रहे हो नेम से अरेंज कर रहे हो ठीक है टू डिस्प्ले द सैलरी फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर आप यहाँ पे आप सैलरी दिखाना चाहते हो ग्रेटर टू स्मॉलर राइट right? मीन्स आप क्या करना चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हो और नेम एंड नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को आप असेंडिंग में दिखाना चाहते हो ओके ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी यूज अब आपको क्या करना है सैलरी को दिखाना है आपको डिसेंडिंग में और आपको नेम को दिखाना है असेंडिंग में तो आप कौन से की वर्ड यूज करोगे यहाँ पे आप ऑप्शन सी करेक्ट है आपका आप सैलरी के साथ की uh, वर्ड यूज करोगे एस सी -E फॉर डिसेंडिंग क्योंकि आपको ग्रेटर टू स्मॉलर दिखाना है और नेम के साथ आप यूज करोगे ASC, क्योंकि आपको ascending में दिखाना है और में फाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन ऑर्डर अगर ऑर्डर ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है बाय डिफॉल्ट आपके रिजल्ट को किस फॉर्म में अरेंज करता है ये आप आपके रिजल्ट को अरेंज करता है असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप कोई भी की नहीं दे रहे हो ठीक है डीएससी या ए एस सी आप कोई भी की नहीं दे रहे हो तो ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है आपके रिजल्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है फाइन ओके क्लॉज इज टू शॉर्ट द क्वेरी क्वेरी रिजल्ट रिजल्ट कौन क्लॉज का यूज किया जाता है को शॉर्ट करने के लिए तो यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है ऑर्डर बाय क्लॉज शॉर्टिंग ऑफ द क्वेरी क्वेरी रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स ठीक है ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करके आप आप अपनी क्वेरी को शॉर्ट कर सकते हो मतलब जो भी आप चाहते हो आपके टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न में शॉर्ट होकर आए तो आप उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज कर सकते हो ओके okay, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट होता है ओनली वही शॉर्ट होकर आता है जो टेबल ओरिजिनल टेबल होती है वो एज इट इज रहती है फाइन तो यहाँ पे ट्वेंटी फोर का ऑप्शन uh, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑर्डर बाय राइट ओके विच ऑपरेटर टेट्स अ कॉलम फॉर द एब्सेंस ऑफ डेटा ट इज नल वैल्यू आपको अगर फाइंड आउट करना है कि किस, किसी पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू है कि नहीं तो आप कौन से ऑपरेटर का यूज करते हो तो वहां पर हम इस ऑपरेटर का इस नल ऑपरेटर का यूज करते हैं ओके तो करेक्ट ऑप्शन इज इज ऑपरेटर फाइन राइट क्या पूछे गए विच ऑपरेटर टेस्ट अ कॉलम फॉर द एबसेंस ऑफ डेटा आपको फाइंड आउट करना है कि किसी कॉलम में नल डेटा है या नहीं तो आप इस नल ऑपरेटर का यूज करोगे फाइन

डीएमएल की फुल फॉर्म क्या है डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज ओके तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन डी डेटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज दिस कमांड्स आर यूज्ड टू मैन्युपुलेट डेटा इन द डेटाबेस राइट ओके ओके द डैश क्लॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी अलाउस अस टू सिलेक्ट ओनली दो इन द रिजल्ट डेट सेटिस्फाई स्पेसिफाइड कंडीशन ओके तो कौन से क्लोज का यूज किया जाता है जब आपको एक पर्टिकुलर रो के अंदर क्या करनी है कंडीशन को पुट करना है फाइन तो यहाँ पे अगर आपको नंबर मतलब एक सेट ऑफ रोज पे करना होता तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं. जब आपको इंडिविजुअल रो पे कंडीशन को सेट करना होता है है तो आप वेयर क्लॉज का यूज करते हो राइट द वेयर क्लॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी अलाउस अस टू सिलेक्ट ओनली दोज रोज इन द रिजल्ट डेट सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन राइट एक पर्टिकुलर रो पर अगर आप कंडीशन लगाओगे तो आप वेयर क्लॉज का यूज करोगे अगर आप सेट ऑफ रोज पर कंडीशन लगाओगे तो आप हैविंग क्लॉज का यूज करोगे फाइन नो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द given इन in MySQL? अगर आपको एक सेट ऑफ डेटा में से स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप MySQL एसक्यूएल के कौन से फंक्शन का यूज करोगे इसके लिए हम यूज करेंगे मिन फंक्शन का राइट विच इज यूज टू फाइंड आउट द मिनिम वैल्यू फ्रॉम अ सेट ऑफ डेटा ओके तो यहाँ पे आप मिनिमम फंक्शन का यूज नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन स्टेटमेंट वट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस आप इस स्टेटमेंट को कंसिडर करोगे कौन सी स्टेटमेंट है सिलेक्ट so, so, आपकी, आपकी uh, यहाँ पे आप डेटा को डिस्प्ले करा रहे हो डेटा सेलेटेड है तो ये आपकी डीएमएल स्टेटमेंट है ओके okay? क्योंकि uh, आपकी ये जो सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डी डीट ये कौन सी स्टेटमेंट है सारी ये आपकी डीएमएल स्टेटमेंट है फाइन ंग क्लॉस ड विच ऑफ द फॉलिंग हैविंग क्लॉस क्या करता है एक्स एक्जैक्टली लाइक वेयर क्लॉस नो वेयर क्लॉस की तरह वो वर्क नहीं करता क्योंकि वो सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होता है सेट ऑफ रोज के ऊपर ओके देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन uh, है एक्स लाइक अ वेयर क्लॉस बट इज यूज फॉर कॉलम्स रेदर देन ग्रुप्स ये भी रॉन्ग है आपका नेक्स्ट क्या है एक्स लाइक वेयर क्लॉस बट इट इज यूज फॉर्म ग्रुप रेदर देन रोज ओके तो यहाँ पे क्या है आपका जो सी ऑप्शन है फाइन जो ओके okay? उसमें कहा, कहा तरह कंडीशन तो सेट करता है ओके okay? लेकिन वो ग्रुप बना के ग्रुप के ऊपर कंडीशन सेट करता है इंडिविजुअल रोपे नहीं करता है फाइन तो आपका ये ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है फाइन राइट नाउ विच क्लॉस इज यूज विद एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन के साथ कौन सा क्लॉस यूज किया जाता है तो वी नो Uh, की ग्रुप बाय क्लॉज एग्रीगेट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है तो ग्रुप बाय क्लॉज का फंक्शन क्या होता है इसका यूज क्या है ग्रुप बाय क्लॉज कंबाइंस ऑल रिकॉर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है उन सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर देता है कंबाइन कर देता है जो क्या है सेम है ओके okay? एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सेम है उनका क्या क्रिएट कर देता है उनका ग्रुप बना देता है ओके दिस ग्रुपिंग रिजल्ट इनटू वन समरी रिकॉर्ड तो क्या होता है ग्रुपिंग बनने के बाद उसका एक समरी रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है फाइन समझ आया ग्रुप क्लॉज क्या करता है आइडेंटिकल रिकॉर्ड्स को की ग्रुपिंग कर देता है उनको एक ग्रुप में डाल देता है फाइन और ग्रुप बाय क्लॉज हम किसके साथ यूज करते हैं हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं ग्रुप बाय क्लॉज से पहले हम ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुपिंग करने के बाद जो आइडेंटिकल वैल्यूज होती हैं उनकी ग्रुपिंग करते हैं ग्रुपिंग करने के बाद उनके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हैं फाइन ओके नाउ डेटा सैलरी कॉलम के अंदर डेटा है आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी तो क्या आउटपुट आएगा फाइन सिलेक्ट समिस्टिंग सैलरी अब यहाँ पे इन्होंने की वर्ड यूज किया डिस्टिंट सैलरी तो यहाँ पे क्या होगा जो डुप्लीकेट वैल्यूज आई है वो क्या हो जाएंगे इलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम एम्प्लॉय ओके okay, तो आपका एडिशन हो जाएगा आपका एडिशन हो जाएगा यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टीन थाउजेंड का देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का देन टेन थाउजेंड का जो अगेन आपका फिफ्टीन थाउजेंड आया है ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा फाइन तो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड टोटल ओके इसको मिला के क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट सैलरी बोला है तो जो डुप्लीकेट वैल्यू आई है डिस्टिंक्ट की वर्ड उसको इलिमिनेट कर देगा फाइन तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ओके नो एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशन ऑन द ग्रुप्स थ्रू डैश क्लॉज आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन फॉर्मड तो ये क्या कह रहा है कि एसक्यूएल ग्रुप्स बनने के बाद कौन से क्लॉज का यूज करके उन ग्रुप्स पर क्या करता है कंडीशंस को अप्लाई करता है देखो एसक्यूएल अप्लाइज कंडीशन ऑन द ग्रुप्स थ्रू ग्रुप्स के ऊपर कंडीशंस को अप्लाई कर रहा है किस क्लॉज की हेल्प से तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लॉज यूज होता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ और ग्रुप्स के साथ हैविंग क्लॉज यूज होता है तो यहाँ पे आपका आंसर है हैविंग एसक्यूएल अप्लाईज कंडीशंस ऑन द ग्रुप थ्रू हैविंग क्लॉज आफ्टर ग्रुप्स हैविन फॉर्मड ओके और अगर इंडिविजुअल रोज पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी है तो आप वेयर क्लॉज का यूज़ करोगे फाइन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज़ कंटेन एन एरर इनमें से कौन सी क्वेरी क्या uh, क्या कंटेन कर रही है, एन एरर कंटेन कर रही है, हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लाई आई डी इक्व दिस दिस इज करेक्ट सिलेक्ट एम्प्लॉय आई डी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आई डी दिस दिस इज ऑल्सो करेक्ट यहाँ पे आपने क्या दिया है आपने कंडीशंस भी दी है ओके सिलेक्ट एम्प्लॉय आई डी फ्रॉम द एम्प्लॉय दिस इज ऑल्सो करेक्ट नाउ सिलेक्ट एम्प्लॉय आई डी फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय आई डी इज दिस एंड लास्ट नेम इज दिस राइट तो यहाँ पे क्या है ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेबल नेम नहीं आया फ्रॉम ई एम पी ओके स्टेटमेंट करेक्ट तब होती है जब यहाँ पे सिलेक्ट ई एम पी एम्प्लॉय आई डी वेयर एम्प्लॉय आई डी इज दिस एंड लास्ट नेम इज़ दिस फ्रॉम ई एम पी तो यहाँ पे टेबल नेम स्पेसिफाई नहीं किया है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है आपकी स्टेटमेंट D. Fine now, which SQL function is used to count the number of rows in a SQL query? Fine, तो so, SQL का कौन सा function है जो count करता है number of rows in a table, right? अगर आपको क्या करना है कि duplicate rows को count नहीं कराना है, null rows को नहीं count कराना है, तो यहाँ पे आप count function का use करो को करेक्ट कर सकते हो और आपको सारी के सारी डुप्लीकेट नल जितनी भी रोज है सबको काउंट कराना है तो आप काउंट स्टार का यूज कर सकते हो राइट right? तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेते हैं काउंट स्टार वैसे तो दोनों ही करेक्ट है लेकिन यहाँ जो जो ज्यादा वैलिड आंसर है वो काउंट स्टार है क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करके देगा आइदर दे आर कंटेनिंग डुप्लीकेट वैल्यूज और नल वैल्यूज फाइन तो यहाँ पे हमारा आंसर है काउंट स्टार ओके विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज इनमें से कौन सा ग्रुप फंक्शन नल वैल्यूज को इग्नोर करता है तो आपका मैक्स फंक्शन काउंट फंक्शन एंड सम फंक्शन तीनों फंक्शन नल वैल्यूज को इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अवर राइट ओनली काउंट स्टार फंक्शन है जो नल वैल्यू को काउंट करता है अदरवाइज ऑल द एग्रीगेट फंक्शन जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते इग्नोर करते हैं फाइन ओके न वट विल बी दर्डर ऑफ द डेटा बिंग सॉर्टेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन क्वेरी जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो डेटा किस ऑर्डर में शॉर्ट होगा तो आपने दिया सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय रोल नंबर आपने दिया है ऑर्डर बाय रोल नंबर तो यहाँ पर जो हमारा रोल नंबर कॉलम है वो असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट होगा क्योंकि बाई डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉस किस ऑर्डर में शॉर्ट करता है क्वा को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है मतलब छोटे से बड़े छोटी uh, वैल्यू uh, से बड़ी वैल्यू तक फाइन तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है असेंडिंग ऑर्डर ओके राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर फॉलोइंग एक्सक्यूज स्टेटमेंट व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट किस टाइप की स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय तो यहाँ पे हम क्या करें टेबल को क्रिएट कर रहे हैं कर रहे हैं ओके तो ये कौन सी स्टेटमेंट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट है जहां पे डेटा डेफिनेशन मीन्स जहां पे डेटा बेस को डेटा uh, बेस uh, का स्ट्रक्चर करती डिसाइड है, करती है जो कमांड्स टेबल का स्ट्रक्चर डिसाइड करती है ओके तो यहाँ पे जो क्रिएट कमांड है क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप रीनेम ट्रंकेट ये कौन सी कमांड्स होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स होती है फाइन नो, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूल एसक्यूल की फुल फॉर्म क्या है एसक्यूल की फुल फॉर्म है आपकी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फाइन टेबल्स कौन सी एचक्यूल कमांड का यूज किया जाता है टेबल से डेटा को रिट्राइव करने के लिए तो हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल ओके सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम द टेबल तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी वो क्या करता है इट गिव रेंज विच इंक्लूड बॉड ल लोअर एंड अपर वैल्यू ये रेंज को डिफेंड करता है जहां पे लोअर और अपर वैल्यू दोनों को कंसिडर किया जाता है फाइन ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीडीएल कमांड कौन सी डी डी एल कमांड है यहाँ पे सिलेक्ट आपकी क्या है डीएमएल है कमांड इंसर्ट डीएमएल है अपडेट आपकी डीएमएल है तो यहाँ पे आपकी जो ऑल्टर कमांड है वो क्या है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है डी डी एल कमांड है फाइन दिस इज योर डी डी एल कमांड ओके नाउ कंसीडर द टेबल विद द स्ट्रक्चर एज आपने एक टेबल, टेबल क्रिएट किए मतलब टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट टेबल है उसमें कॉलम्स नेम है आईडी नेम डिपार्टमेंट नंबर एंड टोटल क्रेडिट राइट इन द अब टेबल विच एट्रीब्यूट विल फॉर्म द प्राइमरी की अगर आपको इसमें से प्राइमरी की बनानी है तो आप कौन से एट्रीब्यूट को मतलब कौन से कॉलम को आप प्राइमरी की बनाओगे तो यहाँ पे नेम सेम हो सकते हैं डिपार्टमेंट लोगों का सेम हो सकता है क्रेडिट भी सेम हो सकते हैं तो यहाँ पे हम किस टेबल को प्रेफर करेंगे जो प्राइमरी की बने हम आईडी को प्रेफर करेंगे बिकॉज आईडी क्या होगा सबका यूनिक होगा और और हम कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं जो क्या होता है यूनिक कॉलम होता है फाइन नाव वी हैव एसेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पे असेशन क्या है स्टेटमेंट है जो आपको करेक्ट लगती है और उसके लिए आप एक पर्टिकुलर रीजन देते हैं फाइन ओके नाउ दिन इज ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू शॉर्ट द रिकॉर्ड ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज किया जाता है रिकॉर्ड को शॉर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने के लिए फाइन आपने रीजन किया दिया है फॉर शॉर्टिंग की वर्ड ए एस सी एंड डी ई एस सी आर यूज शॉर्टिंग के लिए आप एस सी एंड डी ई एस सी की वर्ड्स का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग की वर्ड्स का यूज करते हैं

फाइन ये क्या है ये असेशन आपका क्या है रॉन्ग है क्योंकि काउंट फंक्शन यूनिक वैल्यू को लेता है यूनिक वैल्यू को काउंट करता है बट यहाँ पे क्या है डिस्टिंक्ट किया हुआ है तो ये आपका एसेशन uh, क्या है फॉल्स है देन डिस्टिंक्ट इग्नोर्स डुप्लीकेट वैल्यू आपका रीजन क्या दिया हुआ है डिस्टिंक्ट जो की होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर करता है ओके okay? तो दिस इज करेक्ट डिस्टिंट की वर्ड का यूज किया जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज को इलिमिनेट करने के लिए फाइन तो एसेशन तो आपका रॉन्ग है बट आपका रीजन करेक्ट है तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे ऑप्शन डी दैट ए इज

Unique के, के, का सिमिलर है ठीक है यूनिक की वर्ड हम यूज करते हैं टेबल क्रिएशन के टाइम पर राइट डिस्टिंग की वर्ड हम यूज कर सकते हैं क्रिएशन ऑफ द टेबल फाइन के आप अगर डिस्टिंग की वर्ड यूज करोगे तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज शो करेगा तो इन दोनों का फंक्शन सेम है फाइन तो ये आप इसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप इसके लिए ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन ए बहुत अशेसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फाइन क्योंकि यूनिक कीवर्ड का यूज क्या इन्श्योर करता है कि आप टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को इंसर्ट नहीं कर कर सकते और डिस्टिंक्ट क्या इन्श्योर करता है कि जब वो रिजल्ट शो करेगा तो आपको विदाउट डुप्लीकेट वैल्यूज शो करेगा तो ऑलमोस्ट इन दोनों का फंक्शन सेम है फाइन तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे ओके okay? ओके नाउ वी हैव द देशन द हैविंग क्लॉज इज यूज विद द एग्रीगेट फंक्शन हैविंग क्लॉज का यूज किया जाता है एग्रीगेट फंक्शन के साथ टू पुट कंडीशन ऑन द सेट ऑफ वैल्यूज फाइन ये असेशन हमारा ट्रू है वेयर क्लॉज प्लेस इज कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रोज वेयर क्लॉज का क्या यूज है वो इंडिविजुअल रोज पर कंडीशन को प्लेस करते हैं या उन कंडीशन को लगाते हैं फाइन तो दोनों क्या है करेक्ट है लेकिन जो रीजन है वो एसेशन का करेक्ट रीजन नहीं है तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप ऑप्शन बी यूज करोग

सॉरी नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड टू बी एंटर्ड यूजिंग द नॉट नल कंस्टेंट जब आप नॉट नल कंस्टेंट लगाते हो किसी भी कॉलम पे तो वो कॉलम क्या करता है नल वैल्यूज को एंटर नहीं करने देता फाइन रीजन भी करेक्ट है अब यहाँ पे असेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है लेकिन रीजन असेशन को जस्टिफाई नहीं करता है वो उसका रीजन नहीं है फाइन तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप ऑप्शन बी यूज करोगे बॉथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू बट आर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फाइन क्योंकि दोनों करेक्ट uh, को जस्टिफाई नहीं करता है ओके okay, नाव क्या है एग्रीगेट फंक्शन है यस दे आर एग्रीगेट फंक्शन देन रीजन इज दीज कैन वर्क ऑन मल्टीपल रोल्स मैक्स और मिन दोनों जो फंक्शन है वो उनको हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं हम मल्टीपल रोस पर उनको अप्लाई कर सकते हैं फाइन ओके तो यहां पे हमारा एसेशन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है तो यहाँ पे आप ऑप्शन चूज करोगे ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर एसेन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए राइट फाइन ओके चिल्ड्रन हेयर वी हैव डन Multiple choice question and assertion and reasoning questions based on SQL. Now we will meet in next video with important questions of next topic. Till then keep studying. Okay, all the best for your exam.